हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी? आप सबके ठीक ठाक हैं? आज मौसम बाहर धुंध है, फोग है और मैं सफाइयों सुथराइयों का काम कर रही हूँ। आपको पता है जब आप वॉशरूम वगैरह भी साफ करते हैं तो काफ़ी लेट हो जाता है। अभी मेरा किचन और ये बाहर का एरिया रह गया है, लेकिन मुझे कोई किचन में ठुक ठुक की आवाज़ें आ रही थी काफ़ी देर से, तो मैंने सोचा जरा आप और मैं मिलकर छापा मारते हैं, देखते हैं कि हो क्या रहा है, रास्ते की खिलार को अवॉइड करें। ठीक है, और चले आए मिलके जाते हैं और देखते हैं कि ये कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है मेरे किचन में, जरा देखते हैं। हेलो हेलो, क्या हेलो कर रहे हेलो हैं? हेलो, आप क्यों आ जाती हैं बगैर बुलाए? मैं काम कर रहा था और आप आ गए यहाँ पे। नहीं, ये नहीं कि बंदा मिलके काम करवाए साथ और आप किचन में आ गए, कर मैं क्या रहे थे? दही बड़े बनाना था, आप लेट पहुंची हैं थोड़ी, वरना आपको रेसिपी बता देता। अच्छा, मैंने क्या किया? सबसे नीचे मैंने पकोड़े जो हैं वो नॉर्मल जैसे आप भले, पकोड़े बनाते हैं भल्ले जो होते हैं वो बना के नीम गर्म पानी में रख के उनको निथार के नीचे पहले एक तह लगा दी। अच्छा फिर मैंने आलू बॉईल किए थे वो डाले, चने भी मैंने नीचे रख दिए, ठीक है। और फिर असल चीज़ है मेरा दही। दही के अच्छा बीच में मैंने प्याज बारीक जो क्यूब्स की शक्ल में होता है वो, और टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्च चॉप करके डाल दिया। इसमें मैंने इमली सॉस डाला है, लाल मिर्च डाली है पिसी हुई, नमक डाला है और थोड़ी सी काली मिर्च, और ये इस तरह का सॉस बन गया ये जो आपको ये नजर आ रहा है। ये अब वैसे ही हम इसके ऊपर थोड़ा सा टशन करने के लिए डाल रहे हैं, ठीक है। ठीक अच्छा, है। ये डालने के बाद मैंने जाहिर है इसके ऊपर पुदीना मुझे बहुत पसंद है इस वजह से उसको मैंने कर दिया, और फाइनली अब मैं पापड़ी सजा रहा था। आप आ गई हैं, ये पापड़ी है क्योंकि यहाँ पे रेडीमेड मिल जाती हैं मुख्तलिफ चीज़ें। अब ये है फाइनल इसकी लुक, अब आप खाएंगे तो बताएंगे कि क्या इतनी जल्दी अगर आप बनाना चाहें तो यही बन सकता है। अच्छी, और मैं थोड़ा लेट हो गई वरना हम देखते कि आपने क्या क्या किया और कैसे बनाए, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम रेसिपी भी दे देंगे। अच्छा ये बताएं कि आपने दही के अंदर सारी चीजें क्यों मिक्स की हैं? इसलिए कि वो जरा नर्म हो जाती हैं, वो जरा जूस पी देती हैं दही का, तो अच्छा इस वजह से वो अच्छा होता है। और उसमें मैंने चाट मसाला भी डाला था, चाट ओके। मसाला और दही के अंदर जरा जाके ना बहुत अच्छा अच्छा, हो क्योंकि जाता फिर है। ये होता है कि दही आपको प्लेन जो है वो अच्छा जी नहीं जी लगता। जी वाह, जबरदस्त बनाया तो आपने, अच्छा गुड हो हम्म। गया। आ जाएं जी सबके साथ चलो मिलके और खाते हैं हम। और राजा दे फाइनल क्या कहना चाहेंगे? और आप बस मैं ये कहना चाहूंगा कि प्लीज दही भले अपने अपने, और अगर नहीं जी, आप मेरी किसी तरफ से के आप लिए इनवाइट कर रही हो भला तो करेंगे तो आपका भी भला ही होगा। तो सब देख रहे हो तो आ जाओ, मैं सबको इनवाइट कर रही हूँ। और आप ये भी कर सकते हैं कि घर में अपने अपने बनाएं और उसके बाद हमें तस्वीर भेजें, हम अपने लाइव शो में दिखाएंगे कि आपने कैसे बनाए हैं। आप अपनी रेसिपी शेयर करें और आपके अगर घर में हस्बैंड हैं तो वो भी बनाए हैं और हमें इकट्ठे दिखाएं। हस्बैंड्स, सिंगल सिंगल हस्बैंड है आपका तो। तो आप उनको कहें और वो भी बनाए और हमें रेसिपी भेजें और देखते हैं कि किसके हस्बैंड सबसे अच्छी कुकिंग करते हैं। आज का टॉपिक यही है शो का, तो जल्दी जल्दी बनाएं और हमें भिजवाएं। वीडियो भिजवाना चाहते हैं, ऑडियो भिजवाना चाहते हैं या तस्वीर भिजवाना चाहते हैं, भेजें जल्दी जल्दी। ओके चलें जी, मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।